वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को हमारी प्यार भरी राम राम। अम्यूरिस्ट की रसोई में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की मज़ेदार चटपटी सब्जी, जिसे आप अपने घर पे बड़ी आसानी से बनाते भी होंगे। और एक बार आप जैसा हमने वीडियो में भिंडी की सब्जी बनाई है, वैसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपकी जो सब्जी है उसका थोड़ा टेस्ट बदलेगा। तो चलिए, जो आज की हमारी वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। जो हम भिंडी की सब्जी बना रहे हैं तो उसका जो प्रोसेस है पूरा इस वीडियो में दिखाया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो से जुड़े रहें। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले आपको भिंडी को अच्छे से धो लेना है, और धो के भिंडी को आपको थोड़ा सुखा लेना है। अगर आप गीली भिंडी बनाते हैं तो जो आपकी भिंडी है वो थोड़ा लार छोड़ेगी और जो आपकी सब्जी है वो चिपचिपी बनेगी। तो उससे बेटर यही है कि आप पहले से भिंडी को धो लें और उसको सुखा के ही उसकी सब्जी बनाएं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को पहले धो के रखा और उसे फिर सुखा के रखा हुआ है। तो आपको जो भिंडी है वो अच्छे से साफ़ कर लेनी है, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, और उसके बाद उसके थोड़े हल्के छोटे पीस आपको करने, ज़्यादा छोटे पीसीज आपको नहीं करने हैं भिंडी के, जितना हो सके उतना लंबा पीस रखें। और यहाँ जो भिंडी की क्वांटिटी मैंने ली है वो 1 किलो ली है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो के हिसाब से अगर सब्जी बना रहे हैं तो जो क्वांटिटी मैंने वीडियो में बताई है आप वही लें, ताकि जो आपकी सब्जी है वो अच्छी बन सके। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भिंडी की सब्जी बनानी नहीं आती होगी, आपने हमसे भी अच्छी भिंडी की सब्जी जो है वो बनाई भी होगी, टेस्टी भी होगी। तो एक बार हमारी वीडियो देख के जो भिंडी का बनाने का प्रोसेस है आप इस तरह एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखें। अगर आप वीडियो के हिसाब से भिंडी बनाते हैं तो जो आपकी भिंडी की सब्जी है उसका कुछ टेस्ट ज़रूर चेंज होगा, आपको टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो सबसे पहले आपको लेनी है कढ़ाई, कढ़ाई में आपको डालना है सरसों का तेल। जब भी आप कोई भी सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें जो तड़का लगाते हैं वो सरसों के तेल का ही लगाएं, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें, कोई भी जब सब्जी है उसका जब तड़का लगाते हैं। तो जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपको डालनी है भिंडी, और भिंडी को आपको हल्का फ्राई करना है, पूरा फ्राई नहीं करना है, मतलब ब्राउन नहीं करनी है भिंडी को। ये देखिए जो फ्राई हो रही है आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल हल्की फ्राई आपको करनी है, ब्राउन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये जो हमारी भिंडी है ये फ्राई हो चुकी है हल्की। तो इसके बाद इसमें टेस्ट डालने के लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल करें, तो इससे जो भिंडी है उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा चटपटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नमक डाला है, आप चाहें तो स्वादानुसार अपना जो भी मसाले यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। तो जब तक थोड़ी हमारी भिंडी ठंडी होती है तब हम इसमें जो इसकी ग्रेवी है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए टमाटर और जो लहसुन है वो, तो आपको इसको थोड़ा सा ग्राइंड करना है। इसमें आपको लेना आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया। तो इसके साथ अगर आप आमचूर पाउडर है, जीरा पाउडर है, और आधा चम्मच हमने लिए हल्दी, तो ऐसे सारे मसाले आप इसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा इसे तीखा बनाने के लिए मैं डाल रहा हूँ इसमें हरी मिर्च, और ये सब मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ग्राइंड करने के बाद जो हमारी प्यूरी है वो तैयार हो चुकी है। तो हमारा तेल है वो गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरे को आपको थोड़ा सा भूनना है जब तक कि जीरा ब्राउन कलर का ना हो जाए। ये तो जीरा है, ये हमारा भून के तैयार हो चुका है। और इसमें आपको डालना है 1 से 2 बारीक कटा हुआ प्याज, ये देखिए। और प्याज को भी आपको पूरा ब्राउन नहीं करना है, आपको प्याज को भी थोड़ा कच्चा रखना है। कच्चा रखने से क्या होगा, जो भिंडी का टेस्ट है वो थोड़ा बदलेगा और वो थोड़ा सा चटपटा टेस्ट बनता है जब हम उसमें थोड़ा सा कच्चे प्याज का तड़का लगाते हैं। तो जो हमारा प्याज है वो थोड़ा भुना गया है, उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने प्यूरी तैयार की थी टमाटर की और लहसुन की, वो इसमें डाल रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
तो ये देखिए जो हमारी ग्रेवी है, हल्की ग्रेवी, वो तैयार हो चुकी है। इसे हम 5 से 10 मिनट ढक के रखते हैं, और ढकने के बाद ये जो प्यूरी तैयार होगी, मतलब उसका जो टेस्ट होगा वो बेहतरीन होगा। तो जल्दबाजी ना करें, जब भी आप तड़का लगाते हैं तो उसे 5 से 10 मिनट ज़रूर पकाएं, ठीक है। और पकने के बाद ही आपको इसमें भिंडी डालनी है। तो जो भिंडी हमने फ्राई करी थी वो हमने इस पेस्ट में डाल दी है, और अब आपको धीरे धीरे पेस्ट को मिक्स करना है भिंडी के साथ। जैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आप वीडियो के हिसाब से ही भिंडी की सब्ज़ी बनाएं, तो जो आपकी भिंडी की सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा ढक के रखते हैं, ताकि जो भिंडी है और जो ग्रेवी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कुरकुरा सा हो जाए। तो ये देखिए हमारी भिंडी तैयार हो चुकी है। इसे आप पूरी के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।